मॉर्निंग गाइस, इट्स टाइम टू लीव। सुबह के बज रहे हैं 7, अंधेरा छट रहा है, उजाला हो रहा है एंड कन्हैया भी फ्रेश हो रहे हैं जो कि मेरे साथ जाने वाले हैं और बाइक नीचे लगी हुई है। तो आज है 17 चैन, हम लोग सड़क पे मिलते हैं। फाइनली निकलते हैं। जय गणेश, मंगल गणेश। सुबह के बज रहे हैं 7:45। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। ओ देवी जी, आपको तो जबरदस्ती खींच के लाए हैं भैया। कुछ ना, चिंटू बेटा स्कूल जा रहा है। नहीं तो जा कौन रहा है, जबरदस्ती ले जा रहे हैं साले। चाय मिल जाएगा? नहीं, टाइम तो है। कौन क्या करता सारा रिकॉर्ड कल नहीं देख रहा, परसों दो दिन तो इतनी धुंध थी, कुछ खाई भी नहीं दे रहा था। आज तो सही है, आज थोड़ा ठीक है। तो 6 बजे थी, लेकिन 6 बजे थी, हम लोग 7:30 में निकले। ये मेरा चैनल है। अच्छा, बिलियन ड्रीम्स वन मशीन। सो टी ब्रेक खत्म और हम लोग फिर से शुरू। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। सो दिस इज द डाइवर्जन। ये सब्स्टिट्यूट है सिंधु बॉर्डर वाला। उधर पूरा एकदम प्रोटेस्ट चल रहा है, तो इधर से गवर्नमेंट की तरफ से एक रोड जो था पहले से, उधर से अभी यातायात का को सुचारू किया गया है। एंड रोड का स्थिति बहुत ही नाजुक है और दोनों तरफ से गाड़ियां आ जा रही है, तो थोड़ा सा तकलीफ देह है। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है पूरा एकदम फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है और एकदम जबरदस्त तरीके से चल रहा है। और ये लोग अपना जो भी रोड पे चल रहे हैं उनको ऑफर भी कर रहे हैं जो भी है नाश्ते में। और थोड़ा उधर दिखाइए, पूरा एकदम झंडा वंडा लगा हुआ है। पिछले 1 किलोमीटर पीछे तक पूरा एकदम लंबा, पीछे 1 किलोमीटर तक यही है प्रोटेस्ट चल रहा है। बस लोग भी निकल रहे हैं, अपना रोड ऐसे साइड से रोड दिया गया है उससे चलती है गाड़ियाँ और हम लोग भी निकल रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, तो ठंड में देख सकते हैं एकदम पूरा टाइट है माहौल, 3-4 लेयर तक कपड़े डाले गए हैं। टैंक फुल करवा लेते हैं। थोड़ा सा करवाना है टैंक फुल। गाइस फाइनली हम लोगों ने पानीपत क्रॉस कर लिया एंड वहाँ से हम लोग सिंधु बॉर्डर क्रॉस करके, पानीपत क्रॉस करके, करनाल क्रॉस करके अभी हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़ के तरफ। और भैया पानी पी रहे हैं यहाँ पे। हाँ, एकदम टनाटन एकदम जबरदस्त बाइक चला रहे हैं और
ठंड का मजा लेते हुए हम लोग पूरा एकदम पूरा ठंडा का मजा ले रहे हैं और देख रहे हैं पीछे हाईवे है, ये जो है मुल्तान दिल्ली हाईवे है। क्या नाम हुआ भी आपका? अनिल। हाँ अनिल। अनिल चलिए उस नाम से आपका चैनल। मेरा नाम है मिलियन ड्रीम्स, मिलियन ड्रीम्स वन मशीन, मिलियन ड्रीम वन मशीन। यस आपका नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम राम निवास। ठीक है भैया। पहुंच जाएंगे क्या? और हम लोग अभी गाड़ी का नहीं है भैया, चला रहे हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ रहे हैं। Have you ever been in love? So deep there's no way out. I wish I could explain your eyes and how the sound of your voice gives me butterflies. How your smile makes my heart skip a beat. How every time I'm with you, I feel so complete. So complete. You are the light when there is no sun. सो गाइज अभी हम लोग शंभू बैरियर के पास हैं और यहाँ पे कुछ खाने के लिए रुके हैं। पीछे जो दुकान दिख रहा है एंड आप पीछे देख सकते हो बोर्ड, यहाँ से अमृतसर 244 किलोमीटर है एंड दिल्ली 213 दिखा रहा है और यहाँ से पंजाब स्टार्ट हो जाता है जैसा कि भैया ने बताया, वो दुकान वाले भैया ने। और ऑमलेट बन चुका है हमारा। ये भैया क्या हुआ? अरे भाई साहब पूरा ऑमलेट काट रहा है। अरे भैया भी साहब भूख है ना? क्या नाम हुआ भैया आपका? जालिम सिंह। खतरनाक नाम है बॉस। जबरदस्त नाम है। ये तो जेलर उलट टाइप का नाम लग रहा है, जेलर जालिम सिंह। अभी सफर हम लोग का कटेगा एकदम धनाधन, पूरा एनर्जी वापस आ गया आपके नाम सुन के। और ब्रेड ऑमलेट भी जबरदस्त था, चाय भी जबरदस्त था, चाय सबसे बढ़िया। चलिए सर निकालिए लोहिया बिस्तर और निकालिए, निकालिए और निकालिए। अब आप ब्लैक करेंगे बस जो आ गया भैया। लीजिए कहां से मां हमारा सुन गया रमाइन। अरे कौन से चैनल बता रहे हैं आप? सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो आएगा तो आ जाएगा। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा अनीत। अनीत सिंह। अनीत सिंह लड़का हुआ आपका? भतीजा। भतीजा अच्छा लगा आप लोगों से। चलिए ठीक है, बस 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 बस। तो फाइनली हम लोग यहाँ एक होटल पे रुके हैं, इसका नाम है सरपंच डिलक्स ढाबा ऑन द वे ऑफ मनाली। एंड लस्सी कन्हैया भैया को भूख लगा था तो कुछ खाने का है एंड आफ्टर दैट वी विल गो। सो बस 10-15 मिनट का ब्रेक है एंड उसके बाद यहाँ से मनाली ऑलमोस्ट 275 किलोमीटर्स बता रहा है। आइए भैया। भैया 84 है उधर। कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली में?
तो अभी थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लिया है हम लोगों ने, चाय कुछ चाय वाय देखते हैं, पूछियो ना चाय बनाओ सर। चलिए सुबह तक पहुंच जाएंगे क्या? कितना लगेगा? 5-6 घंटे। हाँ तो वो तो लगना ही है, तो 5:30 बज रहा, 6-7 घंटे रख के चलो मैक्सिमम 12 बजे तक होटल रखने बुक कर लीजिए। भैया कह रहे हैं कहीं इधर ही रुक जाओ। कहाँ रुकना बेस्ट है? कहाँ रुक जाए? इधर इधर कहीं है, मंडी में रुक जाओ। हाँ मंडी में और सुबह निकल रोड थोड़ा ना रिस्की है। अच्छा अच्छा रोहतांग 125 पल्सर पे। अच्छा सही है भाई, अभी तो बंद होगा, अभी तो बंद होगा। हाँ बर्फ की वजह से बंद है। और लद्दाख वद्दाख गए? हाँ लद्दाख ही घूमते हैं। तो गाइज यहाँ पे एक हमारे फ्रेंड बने हैं, मोहित भाई, हाई बोलिए भाई। ये यहीं से हैं, ये कोठी पूरा जगह है और ये यहाँ से है बिलासपुर, 10 किलोमीटर बिलासपुर से 10 किलोमीटर पीछे। हाँ तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंडी की तरफ, इन्होंने एडवाइस दिया है कि मंडी रुक जाइए रात को और सुबह निकलिएगा। तो हम लोग निकलेंगे मंडी और मंडी से कल सुबह निकलेंगे, है ना भैया को देखिए क्या कैसा लग रहा है चलाने में भैया? बस सुर में लगा हुआ है, आँखों में और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पहली बार आप चला रहे हैं हील्स पे, कैसा लग रहा है वो बताइए अपना। पहले तो बहुत डर लगा, अभी धीरे धीरे मजा आ रहा है। जब एक कट मारा तो उस टाइम तो फट गया था। मेरा भी फट गया था। उसके बाद अरे चलाने से ज्यादा पिलियन को डर लगता है, पीछे जो बैठा रहता है। वही हुआ था मेरे साथ। तो दोस्तों देख रहे हो आप, शाम के 7 बज चुके हैं, हम लोग अभी 150 किलोमीटर पीछे हैं मनाली से। और हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग कंटिन्यू मनाली जाके ही रुकेंगे। तो चलिए पहाड़ों की सैर कराई जाए फिर से रात के अंधेरों में। रात के अंधेरों, हाँ मिलिट्री के जवानों की तरह रात के अंधेरों में। Today I still remember when I was really free, and all the things I lived, in the midst of the things that I left. I regret for this, it won't be the same. Yeah, I never felt this way, cause I want. क्या फोन गिर गया क्या? कुछ हुआ नहीं ना? कुछ हुआ नहीं ना? कुछ नहीं हुआ। ऐसे गिर गया? निकाल रहे थे। अब थोड़ा आप आराम से निकालिएगा। रोडो नहीं देखे, रोड कत्ते खराब आ गए, कत्ते नीक चले है। तो फाइनली गाइस होटल बुक हो चुका है, हम लोग रुके थे अभी होटल बुक करने के लिए रूम। हाँ भैया, अभी तो हम लोग हैं 130 किलोमीटर पीछे हैं मंडी के पास। हाँ मंडी के पास है, मंडी के पास। हाँ हाँ रात को ही पहुँचेंगे, 3 घंटा दिखा रहा है गूगल मैप, 3 घंटे में पहुँच जाएंगे। 7-8 बज रहे हैं। हाँ हाँ चलिए। ए दिल दीवाने का डोला तर यार के लिए। अच्छा आपने तो पीछे ही मिले थे। हाँ भाई साहब से मिले थे हम लोग, भाई गूगल मैप भी यही। It feels like I'm wide awake and I'm standing in time. Manali udhar na, aap se chala jaa, phool Google map bata raha hai idhar. Google map chutiya banana pata nahi aapko. Idhar 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 se idhar. Ye
यही वाला था, यही वाला, यही वाला, ये था ये वाला। हाँ तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं चाय पीने के लिए, थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक। और थोड़ा सा चाय बन रहा है, तब तक हम लोग थोड़ा हाथ सेक रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा इंतजाम करके रखा है। धुंध पड़ जाती है ना, नहीं तो हमारे तो छोटी सी दिल्ली नीचे है, हम ऊपर है। यहाँ से पैराशूट लगा के कूद जाओ, पहुँच जाओगे सीधा आप। दो महीना हुआ 100 ग्लास थे मेरे पास शीशे के, अच्छा सब फूट गए। आज की डेट में 5 ग्लास, ये ग्लास बच गया वैसे, फूटा नहीं, मैंने फूटा पक्का ग्लास था, पक्का था ना, इसलिए नहीं फूटा। सही कह रहे हैं लोग, 3 दिन से चला ही रहे हैं, हम तो 2 दिन से बिहार से आए हैं, 1200 किलोमीटर चला गए बुलेट से ही। और वहाँ कल हम लोग गए थे गुड़गांव, वहाँ भी पूरे दिन बाइक ही चला रहे थे, वहाँ से गए आए। तो दिल्ली में क्या है कि ट्रैफिक बहुत लगता है ना, उसमें थक जाते हैं। दिल्ली में दूरी नहीं है, गुड़गांव रहना है पर दिल्ली के साथ कनेक्टेड है पूरा। अभी 3 घंटा और खींचना है मनाली, अभी रात को जाना मनाली। चले ठीक है दीदी, निकलते हैं। ठीक है भैया, ओके। हाँ एकदम आते वक्त फिर मिलेंगे। हेलो भैया, ये कौन सा टनल है? जाना है हमें मनाली, इसी टनल से होते हुए निकल जाओ सीधा। क्या नाम हुआ आपका? सुधांशु। सुधांशु ठीक है भैया, धन्यवाद। सो गाइस देख सकते हो आप, ये एक टनल है। मुझे पहले पता नहीं था कि यहाँ पे टनल भी है, बीच में थोड़ा अच्छा लंबा सा लग रहा है। 22 किलोमीटर पहले कुल्लू से, इसका नाम है ऑड टनल। अभी कुछ बाइकर्स का ग्रुप था, मुझे पता नहीं था तो उन लोगों से मैंने पूछा, सुधांशु भाई एक बंदे का नाम था सुधांशु, उन्होंने बताया, और भी लोग थे। तो बस यही है, तो इसके अंदर अभी चलते हैं सीधा मनाली, और उसके नहीं पहले कुल्लू उसके बाद मनाली, राइट। लग गया 2.5 किलोमीटर से कम नहीं रहे। अच्छा और नाम पता चल गया ना, तो एकदम मजा आ गया दोस्तों। आप लोग अगर इधर आओ तो इसमें तो जाने का मौका मिलेगा, यही रास्ता है, तो अपना एक्सपीरियंस बताना, यहाँ एकदम आइए। मुझे पता नहीं था कि ये टनल मिलेगा रास्ते में, हम लोग सरप्राइज हैं क्या, हम लोग सरप्राइज हैं। और मुझे इस टनल में बाइक चलाने का मौका मिला, ओ माय गॉड, दैट वाज मतलब अनदर लेवल का हो गया ये। लाइफ में पहली बार ऐसा किसी ऐसे किसी टनल में बाइक चलाए हुए हम लोग। ये सामने जो गाड़ी देख रहे हो भाई, अभी थक जाते हैं हम लोग इस गाड़ी से। देख लो नंबर, देख लो इसका, ध्यान से देखिए इसका नंबर, देखिए नंबर, देखिए। पूरा फुल स्पीड में आ रहा था और पीछे स्लश था थोड़ा, और ब्रेक अचानक से मार दिया और एकदम स्लिप किया, और उसके बाद ब्रेक मारा। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो
मेरे बाइक पे चढ़ जाता वो। थैंक गॉड ऐसा है भाई साहब कि कभी इतना अच्छा रोड मिल रहा है कि एकदम मजा आ रहा है, और कभी इतना खराब रोड मिलता है कि रुला देता है। ये है भैया मनाली का रोड, लेकिन वो टनल दिल जीत लिया। और यहाँ पेट्रोल पंप वगैरह भी है, टेंशन नहीं लेना है। कुल्ली मनाली तो देखिए यहाँ पे कुल्लू हम लोग पहुँच चुके हैं। कुल्लू का पुलिस वाला ये गोलंबर है, यहाँ से मनाली जो है दिखा रहा है सीधे, और शामसी है इधर 50 किलोमीटर से यहाँ से। हाँ मनाली 50 किलोमीटर बचा हुआ है, और समय हो रहा है सर, समय हो रहा है 11 दिखा दीजिए डॉट 11 पूरा 11 बज चुका है। ओ भैया रात के बज रहे 11 और कुल्लू में हम लोग ले रहे हैं फोटो सेशन, हुआ है अभी और फोटो सेशन खत्म होके अभी हम लोग जा रहे हैं मनाली। पूछियो ना कुछ है भाई, खाना है भैया कुछ खाना, खाना नहीं है, चिकन चपाती वही खा लेते हैं, क्या दिक्कत। भैया 250 का हाफ वो है क्या, चिकन होएगा और 10 रुपये का एक चपाती है। हाँ भैया नशा तो नहीं करा इसने कोई, बोलो तूने क्या लेना बताना, मैं चख लूँगा अपने। फाइनली खाना एवरेज था बट पेट का आग बुझाने के लिए सही था, और अभी यहाँ से 45 किलोमीटर और जाना आगे। तो गाइस फाइनली गोप्रो ऑफ हो चुका है और अब रिकॉर्ड कर नहीं सकता है कि पावर बैंक भी डिस्चार्ज हो गया है। तो बस देख सकते हैं आप मनाली यहाँ पे दिखा रहा होगा आपको, 8 किलोमीटर दिखा रहा है मनाली, और इधर रोहतांग दिखा रहा है 62 किलोमीटर एंड ले एंड केलोंग। तो बस हम लोग अब 10 मिनट में पहुंच जाएंगे आई होप। ये तो ऑनलाइन भी होता था ना, ऑनलाइन भी होता है। चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं होटल, हाय गाइस सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं होटल में, और देख सकते हैं मैं होटल के रूम में, और रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 8, अभी बस एक ही काम करना है, चैन से सोना है और सुबह उठना है, जो होगा सो सुबह होगा। और देख सकते हैं कन्हैया भैया पता भी नहीं चल रहा कि इस बेड पे कोई है, और असल में यहाँ पे एक इंसान सोया हुआ है हमारे मित्र हैं, वो तीन कंबल डाल के सोए हुए हैं। क्या कितना कंबल है, दो कंबल है, और ये हडिम्बा टेम्पल के पास है। तो कल सुबह सुबह जो हमारा ट्रिप स्टार्ट होगा मनाली का, वो हडिम्बा टेम्पल से ही करेंगे। 7 बजे सुबह से निकला हुआ हूँ मैं और कन्हैया भी, अभी हम दोनों, और 7 बजे सुबह से लेकर अभी बज रहे हैं 1, यानी कि ऑलमोस्ट 18 घंटा। तो 18 घंटे से हम लोग कंटिन्यूसली बाइक चला रहे हैं, और बस सोने जा रहा हूँ मैं भी, और भैया ऑलमोस्ट सो ही चुके हैं। तो फिलहाल के लिए गुड नाइट, और मिलते हैं कल, यानी कि कल के ब्लॉग में। तो आज का जो है दिन ख़त्म होता है इस ब्लॉग के साथ, तो गुड नाइट, बाय बाय, साइनिंग ऑफ, और बी द हीरो ऑफ योर ओन लाइफ।
dreamer. Yeah, yeah, I've been running and running to keep it 100, it's all that I wanted. But lately I don't got the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all